तो आज हमारे यहाँ फौजी जवाई जी भी आ रखे हैं हमारे, और वंशु भी बहुत ज्यादा डरा हुआ। रो मत, अब रोने की कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस, अभी बज रहे हैं दिन के 11। तो आज हम बहुत लेट व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ना सुबह से बहुत ज्यादा काम हो गए थे और आजकल ना बहुत ज्यादा टेंशन भरी लाइफ हो गई है। कल मम्मी की तबीयत अचानक से खराब हो गई, फिर मम्मी को अस्पताल में दिखाया और अभी मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब है। मम्मी ने कल शाम जो दवाई खाई थी ना उससे मम्मी को चक्कर आ रहा, तो मम्मी अभी थोड़ी आराम कर रही है। और मम्मी के सर में बहुत ज्यादा पेन हो गया था कल और आज भी शरीर में पूरा पेन ही है। तो मैं बाहर के साइड आ गया हूँ और बाहर ना इतनी तेज की गर्मी हो रही है। और अभी मैं आ गया हूँ छत में, आपको एक चीज दिखाता हूँ हमारी छत से। गर्मी का सबसे बड़ा कारण क्या है करके, हमारे पहाड़ों में आग लग चुकी है, इस साइड को पूरी आग लगी है। ये देखो, यहाँ पे भी आग लगी है, यहाँ पे भी आग लगी है, उस साइड भी आग लगी हुई है कहीं पर ही, और नीचे भी आग लगी हुई है। तो आग के कारण ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, वैसे ही गर्मी हो रही है, आग लगने के बाद तो और भी तेज़ी गर्मी हो गई है। तो बाहर आने का बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है और आज घर में थोड़ी टेंशन का माहौल चल रहा है, पूजा भी बहुत ज़्यादा बिजी हो रही है। तो आजकल ब्लॉग मैं ही बना रहा हूँ और मेरी भी तबीयत खराब हो रही है, सर्दी जुकाम बुखार लगा मेरे को भी। तो आजकल लाइव ऐसी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा डमाडोल हो चुकी है। और मैं छत में आया ना तो सारे बच्चे छत में आने को कर रहे हैं, यहाँ पर देखो बच्चे भी सब पीछे लगे हुए हैं। और पूजा मैडम आजकल इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं, इसके पास ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है इसको, यार थोड़ी ब्लॉगिंग भी कर लिया करो। और आजकल ऐसा हो गया ना, पूजा बिल्कुल भी फ्री नहीं है, बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है, तो अब मुझे ही करना पड़ रहा है हर चीज़। और मम्मी तबीयत कैसी है अभी? और गाइस, मम्मी की आँखें काफ़ी ज़्यादा सूज गई हैं दवाइयों से, अभी देखो दवा सही नहीं होती है ना, रिएक्शन हो जाता है, दवा खा नहीं पाती हूँ, लेकिन रोग लग जाते हैं, रोग भी ऐसे ऐसे हैं। हमने बीच में पथरी का ऑपरेशन करा, 32 mm थी और फिर मेरे को मतलब फरवरी में कर रखा है 2021 में, और फिर वही जगह में मेरे को दर्द होने लग गया है और डर भी लग रहा है, ऑपरेशन 3 ऑपरेशन हो गए, डर भी लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कल को मम्मी को हल्द्वानी किसी बड़े अस्पताल में दिखा लाता हूँ, वहाँ पे मम्मी का अल्ट्रासाउंड भी करवा लाऊंगा और भी कुछ टेस्ट वेस्ट होंगे तो वो भी करवा लाऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी फैसिलिटी नहीं है कि इतना बड़ा उपचार हो जाए। तो कल हम जाएंगे हल्द्वानी, कल चलना ठीक है फिर? कल चलेंगे। और मम्मी को ना मैं इतना प्रेशर करता हूँ कि अपना इलाज करो, अपने को दिखाओ करके, लेकिन मम्मी हर टाइम मना कर देती है। कल भी जब हम अस्पताल गए थे, मम्मी वहाँ से कह रही थी कि दवा मत लेके आना, लेकिन मैं जबरदस्ती करके दवा लेके आऊँ। मम्मी दवा भी नहीं खाती है और अपना ख्याल मम्मी खुद से नहीं रख पाती, हमको रखना पड़ता है। मम्मी हमारे बारे में सोचती है, अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती है। जो मम्मी को दिक्कत हो रही है वो इसी वजह से हो रही है, मम्मी अपना ना खा के हमको खिलाती है और हमको देखती है। तो मम्मी को इतना समझाता हूँ कि अपने बारे में भी सोचो करके, अपना भी ध्यान दो। और मम्मी की आंखों में से भी आंसू आ गए, ये देखो। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम होती है ठीक हो जाएगी, कल चलेंगे हल्द्वानी। रो मत, अब रोने की कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और आजकल ना बहुत ज़्यादा मम्मी को दिक्कत भी हो रही है क्योंकि बच्चे भी आ रखे हैं और काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आराम भी नहीं हो पा रहा है और खाना पीना भी नहीं हो रहा है और अपने बारे में सोचना भी नहीं हुआ, हमारे बारे में सोचना हुआ। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में मम्मी के लिए चाय बनाने के लिए, लेकिन आजकल ना किचन में आने का नहीं हो रहा, इतनी गर्मी हो जा रही है। तो यहाँ पर मैंने चाय रख दी है मम्मी के लिए, और कल रात ना मम्मी ने अमटोले भी बनाए थे, काफ़ी टेस्टी हो रखे हैं, और सुबह नाश्ते में भी आज हमने अमटोले ही खाए हैं। मम्मी लो चाय पी लो, चाय पियोगे रे? गुड़ की चाय पियोगे? सिर्फ चाय पीता बेटा। और अभी मैंने मम्मी को भी चाय दे दिया, तो मम्मी लोग तो यहीं पे बैठे हैं पीछे छाया में, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही, तो अभी मैं भी अंदर जाती हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत चाय बची है, तो बड़ी फुर्सत मिली है, तो अभी मैं भी चाय पी लेती हूँ, उसके बाद से करूँगी नहाना धोना, और उसके बाद से थोड़ी देर बाद लंच टाइम भी हो ही जाता है। तो अभी हम लोग लंच की भी तैयारी करने लग गए हैं, और यहाँ पर चावल साफ करके मैंने कुकर में चावल चढ़ा दिया है, और इस साइड को मम्मी बना रही है आज मसूर की दाल, तो अभी ये दाल चावल बन जाएगा हमारी थोड़ी देर में। और आज ना मैंने बाहर का झाड़ू पोछा भी नहीं कर रखा है, पूरा आंगन बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, और बाहर धूप भी तेज की हो रखी है, लेकिन साफ सफाई भी करनी है, तो अभी मैं जाती हूँ बाहर सफाई करने के लिए। तो अभी मैं आई हूँ घर के आगे के साइड सफाई करने के लिए, और यहाँ पर ना बहुत तेज की धूप हो रखी है, लीची के फंगे वगैरह भी तोड़ दिए, तो यहाँ पर ना छाया का कुछ भी ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पर स्कूटी और बाइक को भी मम्मी ने त्रिपाल से ढक रखा है ताकि धूप में ख़राब ना हो। और अभी मैं भी नहा धो के आ गई हूँ रूम पर, और नहा के ना बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है, और अभी गर्मा गर्म दिन का लंच भी बन के रेडी हो गया है। तो आज मम्मी ने बनाई है मसूर की दाल और चावल, और ना कल रात के अमटाओ भी ले आई हूँ। और यहाँ पे पलकू और वंशु देख रहे हैं फोन। पलकू बेटा खाना खा लिया? कैसी और थी दाल? मसूर की दाल खाई आपने? मैंने कड़ी खाई। अच्छा, नानी और मैंने कड़ी खाई। और अभी हम लोग भी लंच के बाद थोड़ा आराम करने के बाद उठ गए हैं। तो आज हमारे यहाँ फौजी जवाई जी भी आ रखे हैं, हमारी बीच वाली जो ननद है उषा, उनके हस्बैंड। तो ये रहे भैया जी, और भैया जी काफ़ी लंबा सफ़र करके आ रखे हैं, खुद से ड्राइविंग की है, तो भैया ने भी आके आराम कर लिया थोड़ा बहुत। और भैया ठीक ठाक? मैं तो भैया से अभी मिल रही हूँ आने के बाद, क्योंकि मैं बाहर के कामों में लगी थी,
तो भैया आके आराम कर रहे थे और यहाँ बच्चे रोने बच्चे ना आने के बाद पापा को भी नहीं पहचान रहे क्योंकि उठे और उठते ही पापा को देखा तो रो गए हैं दोनों बच्चे रोने लग गए। तो एक को मम्मी ने संभाल एक दिन लगेगा कल से। तो उसे हर बार ऐसी होता है जब तुम जब मैं यहाँ से बाहर गई हूँ ना कितने बार तो सिमांस एक एक महीना लगा देता है स्किन के पास में जाता है। तो सिब्बू बाबू तो डर ही गए हैं ये तो रो ही रहे हैं और वंशु भी साथ में डर गया और वंशु भी बहुत ज्यादा डर रहा वो ना भैया को देखते ही आंख बंद कर ले रहा और बाहर को दौड़ जा रहा है। तो अभी बच्चों को ढलने में कम से कम एक दो दिन लगेंगे। आज तक भैया की पोस्टिंग थी गुड़गांव में तो अभी दूसरी जगह शिफ्ट हो गई है। तो भैया ना बहुत मेहनत करके आए हैं पैकिंग वगैरह सब कुछ करके आए हैं तो अब दूसरी जगह जब ज्वाइनिंग होगी तब उषा लोग सब साथ में जाएंगे तब तक हमारे साथ एंजॉय करेंगे यहाँ पर घर में रह के। और वंशु भी आ गया सो भैया के लिए हो गई है आप। और वंशु जैसे ही अंदर आ रहा है ना मौसा जी को ढूंढ रहा है कौन से कमरे में कौन से कमरे में जहाँ पर दिख रहे वहीं पर आग बंद कर दे रहा है। आज बच्चों का ऐसी तमाशा रहेगा। उसका नींद आ गई। अरे बढ़िया तो है जरा वंशु का तांडव कम हो जाएगा यार मजा आ गया। वो सो गया। कहाँ चले गए भैया? चिप्स और चॉकलेट लाने आ गए। अब देखना भैया का कितना पदीता हो गया है। इन्हें ज्यादा कर दिया। ये अबा भी कर रहा है यार ऐसा कि पापा के साथ नहीं जा रहा। सिब्बू भी तो जो बेबू भी नहीं जा रहा सिब्बू भी नहीं जा रहा। क्यों रो रहा? इसे क्या बता रही? तेरे तो इजा बाबू हम सब नहीं दिख रहे। ये कोई नहीं कोई नहीं चलो हम आज गोदाम चले जाते हैं यार। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और हम लोग आए हैं घर के आगे के साइड को और इस समय ना यहाँ पर गर्मी कम हो रखी है क्योंकि धूप जो है पीछे की साइड चले गई है और आगे से ही भैया जी हमारे जमाई जी की गाड़ी भी खड़ी है। तो बच्चे ना गाड़ी को देख के काफी खुश हो रखे हैं और इनके यहाँ पर अच्छे से मन लगा है। हाँ गाड़ी में बैठना है। कौन बैठाएगा? किसकी गाड़ी है? मौसा जी की गाड़ी है। और अब ना वंशु फूफा जी के साथ अच्छे से ढल गया मतलब उनको देख के रो नहीं रहा। तो वंशु को जब एक चिप्स दिया तो तब ये जाके माना। और अभी ननद जी भी आ गए हैं बच्चों के चप्पलों को लेके। आज तो बच्चे बहुत ही खुश हो रखे हैं यार। चलो चप्पल पहनो अपने अपने। उषा बच्चों को कहीं घुमाने जाते हो गाड़ी में? अभी शाम शाम को ले जाएंगे फिर। अच्छा। और आज तो तुम्हारी खुशी का ठिकाना ही नहीं है मुँह अलग ही रौनक है क्या बात। और अभी बच्चों को खाना पीना खिलाने के बाद हम भी जा रहे हैं थोड़ा लोकल में ही घूमने के लिए क्योंकि घर पर गाड़ी आई है बहुत टाइम के बाद और घर की गाड़ी में घूमने का ही मजा अलग है। और अभी शाम का टाइम है मौसम भी अच्छा हो रहा और बच्चे भी रो रहे थे तो उषा ने बोला कि घुमा लाते हैं। और देखो तीनों बच्चे पधार गए हैं पहले ही इतना अच्छा हो रखा अंदर गाड़ी में एसी चली है। चलो और देखो चिप्स भी रखे हैं बच्चों के लिए। और गाइस फाइनली हम लोग निकल गए घर से घूमने के लिए। बच्चे ना बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे तो हमने सोचा इनको घुमा के लेके आते हैं और सभी लोग गाड़ी में बैठ गए हैं। पलक जा रही है, उषा जा रही है, बच्चे जा रहे हैं और पूजा भी जा रही है यहाँ पर है जवाई जी। तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं लोकल में और अभी का मौसम काफी बढ़िया हो गया है लेकिन हमारे वहाँ के ना रोड बहुत ज्यादा खराब है, बहुत बेकार रोड है हमारे वहाँ की। और यहाँ पर है हमारे भोलेनाथ जी जो की काफी अच्छे दिख रहे हैं गाड़ी में। और आज हम कार में बहुत टाइम के बाद बैठे हैं, कम से कम एक साल हो गया होगा भगवान जी मोहन जी के साथ एक साल बाद हम कार में बैठ रहे हैं। तो हम भी कुछ खा पी के आते हैं और बच्चों को भी कुछ खिला के लेके आते हैं लेकिन बच्चे इस गाड़ी में भी बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। क्या हुआ मेरे पास आना? आजा 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 आजा। और अभी वंशु मेरे गोद में आके बैठ गया है और इसको ना घमोरिया बहुत ज्यादा हो गई है। बाबा, बाबा, आगे पीछे बैठ। आगे पीछे बैठे? अच्छा कहाँ जा रहे हो आप? घूमने जा रहे हो? किसके साथ जा रहे हो? बब्बा साथ। अच्छा और अभी बेबू इतना खुश हो गया बाहर को ये देखो ये बेबू लग जाएगी। इनको ऐसे अच्छा लगता है यार बच्चों को। और गैस अभी हम आ गए हैं मेन रोड में तो यहाँ पे ना ठंडा काफी हो रहा है और यहाँ की रोड भी काफी बढ़िया है और ऊपर पहाड़ भी काफी अच्छे दिख रहे हैं। और पीछे जो बैठे हैं उषा पूजा पलक इन्होंने इतना परेशान कर दिया, इतना फालतू बोल रहे हैं, सर दर्द कर दिया है। और गैस अभी हम आ गए हैं मेन मार्केट में। भैया दो फुल चाउमीन कर देना, पैक करनी है। और वैसे हमारा प्लान था टिक्के खाने का लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे तो हम थोड़ी नीचे की तरफ आ गए हैं
और यहाँ से चाउमीन पैक करवाते हैं और चाउमीन हम घर ही में खाएंगे। और अभी हम भैया के उस शॉप में आए हैं जहाँ से परसों एनिवर्सरी के लिए मोमो और चाउमीन पैक करा के गए थे, तो उषा को ना यहाँ भैया की चाउमीन काफी पसंद आई, तो आज उषा की फरमाइश में हम फिर से आए हैं यहीं पे। और यहीं पर सिब्बू भी आ गया, सिब्बू ना गाड़ी के अंदर नहीं रहा तो इसको हम बाहर की साइड को ही ले आए। और चाउमीन मोमोज हम घर पैक करा के ले जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ना बच्चे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो घर पर मम्मी भी खा लेगी और एक साथ बैठ के अच्छे से खाएंगे। वंशु क्या खाना है? मोमो खाने हैं। क्या खाने? मोमो चाउमीन, दोनों चीज दोनों खाने। अच्छा, ये तो भुक्कड़ है, खाते रहता है। और हमने चाउमीन भी पैक करवा लिए हैं, तो अभी चलते हैं घर को क्योंकि ना बच्चे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। और अभी हम कार में बैठ गए हैं, बच्चों ने परेशान कर दिया था, अथा परेशान कर दिया आज। आ जाओ। और अभी हम लोग भी घर पहुंच गए हैं, लेकिन ना आज ना बच्चों ने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, तो बड़ी मुश्किल से वापस आए हैं। इतना ज्यादा रो गए ना, संभालना मुश्किल हो रहा था। और यहाँ पर मम्मी ने चाउमीन भी प्लेट में लगा दी है जो हम कोटा बाग से लेके आए थे। मम्मी मोमो भी लेके आए हैं। और इधर को देखो, सिब्बू और बैबू को बिल्कुल भी चैन नहीं है। और यहाँ पर देखो ननद जी बीमार होकर आ गई है इतने छोटे से सफर में। और हमारी ननद जी को ना बिल्कुल सफर सूट नहीं होता, बड़ी मुश्किल से। और जब भी बच्चे आते हैं ना तो रात के सफर में आते हैं, क्योंकि दिन में तो इनके साथ सफर करना बहुत टफ है। तो अभी ननद जी को थोड़ा कोमो लगा, उल्टी करने का मन हो रहा, तो वो सो गए हैं। और अभी सब लोग चाउमीन भी खाने लग गए हैं। पलकों कैसी हो रही बेटा? बहुत अच्छी, मुझे तो ये ही अच्छी लगती है। और पलकों की पसंद चाउमीन ही है, मोमो चाउमीन ही पसंद है, खाना तो खाते नहीं है। और ये देखो हाथ से खाने लग गए हैं। क्या हुआ, चम्मच नहीं मिली तुमको? वो बच्चों की बिना मिर्च के खाना रे। और इधर को ननद जी भी खाने लग गए। अब थोड़ा सही फील हो रहा है तुम्हें? अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है? पर क्या करूं। तो अभी बज रहे हैं रात के 10, सभी लोग रात का डिनर करने के बाद सो गए हैं। और मैं भी वंशु को जस्ट सुलाने के बाद बाहर के रूम में आई हूँ वीडियो को एंड करने के लिए, क्योंकि जब हम मार्केट से घूम के आए ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा रोने लग गए थे और गाड़ी में बैठने की जिद कर रहे थे, तो उस समय मैं वीडियो को एंड नहीं कर पाई। और अभी सभी लोग सो गए हैं, बच्चे भी सो गए हैं, तो शांत सा माहौल हो गया, तो मैंने सोचा वीडियो को एंड कर दूँ। तो आज हमारे फौजी जवाई जी भी आए हैं घर में, तो काफ़ी अच्छा लगा, हम उनके साथ शाम को घूमने भी गए। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। फिर मिलूँगी आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। शुभ रात्रि, जय देवभूमि उत्तराखंड।